हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक मिनी स्पीकर की। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे सामने ये छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर ये मिनी स्पीकर है और जो कंपनी इस स्पीकर को बनाती है उस कंपनी का नाम है M3। लेकिन इसे खोलने से पहले मैं आपको इसके जो डिफरेंट फीचर्स है वो बता दूं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आपको चार फीचर्स दिखाई देंगे। पहला है आपका ट्रू वायरलेस स्टीरियो, इसका मतलब ये है कि ये आपका वायरलेस सपोर्ट करता है। आप अपने फोन में ब्लूटूथ ऑन कीजिए और इसके साथ कनेक्ट कीजिए और फिर यू कैन प्ले इट। दूसरा है आपका फोन कॉल, यानी अगर आप इसे यूज कर रहे हो और अचानक से आपके फोन में अगर कॉल आता है तो आपको फोन में आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तीसरी जो चीज है स्मॉल बॉडी बिग वॉइस, इसका मतलब यह है कि छोटा सा बॉडी है लेकिन इसकी जो साउंड कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है। फोर्थ इज योर सिंपल वन क्लिक बटन यूज, इसका मतलब यह है कि इसमें एक ही बटन है जिससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो इस डिवाइस को। अगर मैं इसे पीछे करूं तो इसके दूसरे जो फीचर्स है वो भी आपको दिख जाएंगे। तो लाउड स्पीकर आउटपुट यानी कि इसका जो पावर आउटपुट है वो है 3 वाट का है। ये कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि छोटा सा स्पीकर है और इसमें भी 3 वाट अगर आपको मिलता है तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरी जो चीज है इसकी बैटरी कैपेसिटी आपकी 400 mAh है, इसका मतलब यह है कि इसका जो प्लेबैक टाइम है वो अप टू 4 आवर्स है अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज कर ले। बैटरी चार्जिंग टाइम इसे 2 घंटा लगता है कंप्लीटली चार्ज होने में, कंपनी 2 घंटा बोलती है तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा कम या थोड़ा सा ज्यादा आपको चार्ज करने के लिए टाइम लगेगा। तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती है वो मैं आपको दिखा दूं। पहली जो चीज़ है वो है एक मिनी स्पीकर, दूसरा है USB चार्जिंग केबल, तीसरा है यूजर मैनुअल और चौथा है आपका फास्टनिंग कॉर्ड। इसका मतलब फास्टनिंग कॉर्ड का मतलब ये होता है जो आप मोबाइल यूज करते हो तो उसके ऊपर एक कॉर्ड लगा रहता है जिससे आप पकड़ कर कहीं भी जा सकते हो, तो उस तरह का एक कॉर्ड इसके अंदर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और खोलते हैं इसे। तो जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको इतनी चीजें मिलती है। सबसे पहली जो चीज है वो है आपका स्पीकर। तो जैसा आप देख सकते हो काफी छोटा सा स्पीकर है और क्योंकि इसके कवर में यहां पर मेटल वायरलेस स्पीकर लिखा हुआ है तो इसका जो मटेरियल है इसे बनाने में यूज हुआ है वो है कंप्लीटली मेटल। तो बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों और थोड़ा वजनी भी है, तो मैं अभी इसे साइड में रखता हूं और जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। यह है इसका यूजर मैनुअल, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको आइडिया हो जाए इसे किस तरह से यूज करते हैं। ये रहा आपका USB केबल जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है USB 3.0, तो आप इसे लगाइए और चार्ज कर लीजिए एक बार फुल। और ये है आपका फास्टनिंग कॉर्ड, तो ये इस एक छोटा सा हैंडल है जो आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा नॉच दिया गया है, तो आपको बस इसके अंदर इसे डालना है और फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्लूटूथ को ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड कैपेसिटी कैसी है। तो जैसा यहां पर लिखा हुआ था सिंपल वन टच ऑन या ऑफ बटन, तो मैं इसे ऑन करता हूं। आप इसे थोड़ा सा हल्के से प्रेस कीजिए तो ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। मैं अभी एक कोई भी सॉन्ग प्ले करके आपको इसकी जो पावर आउटपुट है यानी कि जो साउंड कैपेसिटी है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखते हैं गाइस इसकी जो साउंड कैपेसिटी है वो किस तरह से है। तो आप हेडफोन यूज कीजिए और एक बार इसे सुन लीजिए अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा इसकी जो क्लैरिटी है वो काफी ही अच्छी है। तो गाइज आपने सुन लिया इसकी जो साउंड कैपेसिटी है वो कैसी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है, तो आप इसे कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको ये बता दिया इसके बारे में। अगर आपको ये स्पीकर खरीदना है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसे डायरेक्टली खरीद सकते हो, इसका दाम भी ज्यादा नहीं है। दूसरी जो चीज है मैंने बहुत से दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं गाइज मेरे चैनल पर, आप जाकर उन्हें मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।